जय श्री राम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, मस्त ना? आज है 14 फेब, यानी कि वैलेंटाइंस डे। तो आज मैं और पूजा जा रहे हैं वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैंने कुछ प्लान किया है पूजा के लिए। अभी जैसे हम लोग निकलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं पूजा को कॉल करके बोलता हूँ नीचे। बहुत टाइम से पूजा वेट कर रही थी तो अभी उसको कॉल किया है। ये काली मैंने उसको बहुत टाइम से वेट कराया है तो अभी वो आ रही है। तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं तो उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। तो अभी आती है तो मैं कैमरा ऑन करके रखता हूँ तो देखेंगे उसका रिएक्शन क्या होता है इसका। तो कैसी है? बस ये मेरे लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे डियर। थैंक यू सो मच। तो आज है हमारा शादी के बाद का पहला वैलेंटाइंस डे। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा लेट किया है। काम रहता है काम नहीं होता है, टीवी देखना होता है। टीवी भी तो मैं देखता नहीं, कुछ भी बोलती है कुछ भी। थोड़ा टीवी भी देखा सुबह और सब हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं देखता हूँ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कहाँ पता नहीं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कहाँ पे भेज जाएंगे? इधर ही पास में। अभी तो भूख लगा, ज्यादा लंबा तो जा नहीं सकते। लंबा तो शाम को जाएंगे। मैंने तो खाना भी नहीं खाया, इसलिए नजदीक ही जाएंगे और फिर शाम में जाएंगे कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पे खाना खाने। तो गाइस अभी हमारा खाना हो गया है। ये किधर घूम रही? तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं अभी इसका खाना हजम करने के लिए। चलते 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 चलते। खाना बहुत ज्यादा हुआ है आज तो मैडम को। तो मैडम बोल रही कि थोड़ा वॉकिंग करेंगे, चलना है। तो अभी देखेंगे किधर चलते। मैं तो उसको बोल रहा हूँ गाड़ी पे चलते तो बाजू चल, क्योंकि वैसा नहीं चाहिए, उसको साथ में चलना है। चीटिंग है ना गाइस, आप बताओ। ये गाड़ी में चलाएंगे हम, मैं पीछे पीछे चलूंगी, कैसे लगेगा ये? तेरे को वॉकिंग करना है, मेरे को थोड़ी वॉकिंग करना। साथ वचन लिए थे हमने, साथ साथ चलेंगे। हाँ तो फिर मैं गाड़ी में रहूंगा तू बाजी में रहूंगा। अभी 2 ही महीने हुए हैं। अरे मैं, अरे हाँ मैं गाड़ी में रहूंगा तू बाजी में रहेंगे तो साथ साथ ही चलेंगे ना। साथ साथ कैसे होगा वो, मैं पीछे रहूंगी आप सामने। नहीं मैं बराबर है ना, तुझे से नहीं वैसे मैं चलूंगा। चीटिंग है बट, आप गाड़ी में मैं नीचे पैदल, अलग अलग है ना। वॉकिंग तुझे करना है ना, जो मुझे करना है वो आपको भी कर सकते है ना, ऐसे थोड़ी ना नहीं करना है। देखो गाइस क्या बोल रही है, अब बताइए वॉकिंग अच्छी है नहीं? वॉकिंग अच्छी है लेकिन कभी इतनी कड़ी धूप में। हाँ ठीक है ना, धूप भी लगता है चलने को। चलो अभी देखेंगे किधर वॉकिंग करने मिलेगा, किधर इसको घुमाना है वॉकिंग। तो गाइस अभी बहुत डिस्कशन के बाद अभी हम लोग रुके इधर बीच में गार्डन में। ये क्या कर रही हम लोग इधर गार्डन में टहल रहे इधर। थैंक यू, इसको रंगाड़ा बोल रही है, इसको मराठी में रंगाड़ा बोलते है। हम लोग अभी इधर गार्डन में टहल रहे हैं, टहल रहे हैं इवनिंग वॉक कर रहे हैं गार्डन में। बहुत दिनों बाद ये गार्डन में आया हूँ। इधर मैं बचपन की यादें, हाँ बचपन में आता था ये गार्डन में। ये मुझे बता रहे हैं एक एक बता रहा हूँ। तभी हम लोग घूम रहे हैं इधर गार्डन में। किसकी गर्लफ्रेंड? आपकी? मेरे को कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी आज तक। बचपन की भी नहीं, बड़े में खाली तू एक ही। नहीं नहीं आपके साथ घूमती थी। एक ही गर्लफ्रेंड है मुझे, वो है तू। फूल तोड़ने की कोशिश कर रही है? नहीं बिल्कुल नहीं, फूल देख रही है। क्या कर रही फ्लावर वाली? तो अभी हम लोग गार्डन में बैठे हैं और कैसा लग रहा है? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन आ रहा है और मस्त मजा आई आज। अभी सब... नहीं अभी थोड़ा और गार्डन में घूमना। हाँ हाँ गार्डन में घूमेंगे, मजा करेंगे, लेकिन आज मजा आ रहा है। दिन पूरा बंद करके बैठा हूँ, ये सही बात है। हाँ फ्री टाइम एक फैमिली टाइम में स्पेंड कर रहा हूँ। किस खुशी में आज फोन बंद रखा है आपने? अरे आज तेरे साथ घूम रहा हूँ ना। बाप रे, इसलिए आज मैं फोन। आज का दिन 2-3 साल में
10 दिन होगा। क्यों ऐसा क्यों? मोबाइल जो बंद है ना, फोन वगैरह बंद करके मस्त एंजॉय करो, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। इधर झाड़ियों के बीच में आवाज आ रहे हैं, कुछ होगा। एक राज की बात बताओ। हाँ, हमारे सब्सक्राइबर को। जी जी बोलो ना। पक्का बताओ। हाँ, फिर ना बोलना व्लॉग बंद होने पर ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला। नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, पक्का पक्का पक्का। लेकिन मुझे ये पक्षी का आवाज सुनने दो। बताऊंगी अभी। हम लोग 3 साल से जानते हैं। हाँ, 3 साल में फर्स्ट टाइम गार्डन आई है। ये मुझे बिल्कुल गार्डन नहीं लेके आते, मुझे गार्डन पसंद है। हाँ, और मैं 3 साल में हम जब से बार में हम मिले, बहुत बार, बहुत मतलब बहुत बार मिले, बट एक बार भी गार्डन का नाम इन्होंने भी नहीं निकाला। कभी गार्डन लेके जाना है नहीं, मैंने आज खुद बोला है मुझे गार्डन जाना है, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ। बड़ा होने का कभी गार्डन गए नहीं। क्यों नहीं गए गार्डन? कभी टाइम ही नहीं मिला या फिर कभी मौका ही नहीं मिला? क्यों मौका नहीं मिला? किसके साथ जाने गार्डन में? अकेले भी जा सकते? अकेले नहीं, अकेले मैं किधर चाय पीने नहीं जाता, तो गार्डन किधर जाऊंगा? चाय तो दोनों पीते हैं, पर गार्डन अकेले जा सकते? गार्डन में कभी आया नहीं, उतना टाइम ही नहीं मिलता था गार्डन में किधर आने का। मॉल घूमने टाइम होता है आपको? मॉल किधर घूमता हूँ, मॉल में तो शॉपिंग करने लेके जाता हूँ। तो मॉल मॉल बोल रहे थे आप घूमने, शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, मूवी देखने वाले थे, गार्डन जैसी मजा नहीं किसी। तो इसी चक्कर में हम लोग आज आ चुके हैं गाइस गार्डन में, और बहुत ही मजे किए गार्डन में। इसने चुपचाप से दो चार फूल भी तोड़े हैं। नहीं तोड़े मैंने, तोड़ने वाले थे लेकिन मैंने उसको डराया, इसलिए वो तोड़ा नहीं। तो उसने दो चार फूल तोड़ के साथ में लेके गई रही थी। जेंडू के अच्छे थे, जेंडू के फूल। पक्षियों का आवाज बहुत मस्त आ रहा है। इसी पक्षियों की आवाज के लिए मैं घर पे तरस रही थी। तू तरस रही थी आवाज के लिए? हाँ, फिर मेरे को बोली रही थी तो मैं यूट्यूब पे लगा के आवाज सुनाया रहता ना। यूट्यूब पे मजा नहीं आता, देखो अभी फील करते करते सुनना आवाज उस पे मजा आता है। यूट्यूब के क्या सही है गाइस, आप भी है ना, गार्डन आ जाओ, अकेले आ जाओ, किसको लेके आ जाओ, फैमिली वालों को लेके आ जाओ, गर्लफ्रेंड को लेके आ जाओ, वाइफ को लेके आ जाओ, बहन को लेके आ जाओ, सिस्टर को लेके आ जाओ, पूरी फैमिली को लेके आ जाओ, किसको भी लेके आओ, लेकिन गार्डन में आओ और आवाज सुनो, बहुत ही मजा आएगा। और कैसे आप गए गार्डन में और कैसे घूमे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा गार्डन में घूम के और आवाज़ सुन के चिड़ियों का, क्योंकि आज के भागदौड़ के चक्कर में चिड़ियों का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, और किधर चिड़ियों का आवाज़ सुनने को भी नहीं मिलता है। बस अभी कुछ ही गार्डन बाकी जहाँ पे चिड़िया रहते हैं, और आगे चल के ये गार्डन भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, तो आप लोग जब तक अगली पीढ़ी को हम किताबों में दिखाना पड़ेगा ये थी चिड़िया। हाँ, तो इसीलिए जब तक गार्डन है घूमो, मस्त मजे करो, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो, काम काम काम, हर दिन काम ही रहता है, हफ्ते में से एक दिन निकालो और फैमिली साथ एंजॉय करो। गाइस ये है पेड़, मैं पेड़ के नीचे सोया हूँ और आप देख सकते हैं कि सोनी का पेड़ कैसे दिखता सोनी के बाद पेड़ ऐसे दिखते हैं। देखो कितना मस्त नजारा है यार, अभी गार्डन में आ गए, बहुत ही अच्छा अच्छा लग रहा है। वैसे अभी हम लोग खड़कवासला घूम के अभी आए इधर खाना खाने के लिए, तो अभी खाना खाएंगे, बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है और बहुत मजा आई खड़कवासला डैम में, ठंड भी बच रही थी। फोन गाड़ी में रह गया था हम लोग बोटिंग के अंदर गए थे, इसलिए हमारा उधर शूट नहीं कर पाए, अभी इधर बहुत ठंड बज रही है। तो गाइस अभी हम लोग इधर खाने के लिए रुके, इधर आप पीछे देख सकते हो ये खड़कवासला डैम है पुणे का, अभी पूरा डैम उस डैम भी में घूम के मजे किए, उधर फोन नहीं ले पाए साथ में। अभी खाना खा के हो गए, अभी हम लोग निकल रहे। तो गाइस ये है डैम, हम लोग वहाँ पर थे जो लाइट चली वहाँ पर, बहुत मजे किए, बहुत अंधेरा है अभी, अभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। तो गाइस अभी घर पे पहुंच चुके हैं, बहुत लेट हुआ है, खाना पीना मस्त खाया, आइसक्रीम विस्क्रीम खाई है, तो अभी बहुत थक चुके हैं, आइसक्रीम मैंने पीछे भी रखी, तो हमने खा के भी पार्सल भी लाई आइसक्रीम, तो अच्छा डे स्पेंड किया। हाँ अच्छा डे स्पेंड किया आज, थैंक यू सो मच, हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।